ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਬਿਗ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਅਲਾਉ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬੰਗਾ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬੰਗਾ। ਬਿਗ ਬੋਸ के कंटेस्टेंट्स को आपको पता है कोड नेम्स से बुलाया जाता है, मतलब बिग बॉस शुरू होने से पहले कोड नेम्स दिए जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि मैं खबरें बताती हूँ तो मेरे को कोड नेम दिया गया था खबरी। क्या बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, स्क्रिप्टेड नहीं है, जो घर के अंदर होता है वही आपको बाहर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमसे वो कुछ कह के करवाते हों, जो हम अंदर करते हैं वही आप देखते हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि एडिटेड होता है, क्योंकि 24 घंटे में बहुत कुछ होता है और जो रेलिवेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको देखने को मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा मस्ती, टास, या फिर लड़ाइयाँ। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। अब आप देखिए 24 आवर्स इनटू ईच कंटेस्टेंट कितनी सारी फुटेज होती है, जिसका कुछ हिस्सा आप देख पाते हैं, कुछ हिस्सा नहीं होता है, ऐसा होता है जो आप नहीं देख पाते हैं। अच्छा, बिग बॉस के घर के अंदर क्या पार्लर है? ये सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं। पार्लर नहीं है बॉस, घर के अंदर खुद ही तैयार होना पड़ता है। और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं मैंने देखा है, सब एक्सपर्ट्स हैं, प्रो हैं खुद तैयार होने में। और एक दूसरे की हेल्प भी हम कर देते हैं, जैसे आईब्रोज, अपर लिप्स, या फिर वैक्सिंग में तो हम अपने औजार लेकर जाते हैं और वहाँ पर हम खुद तैयार होते हैं, चाहे फिर वो हेयर स्टाइल हो या मेकअप हो। हाँ, हमारा जो वार्डरोब होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं, वो हर वीक बिग बॉस के घर के अंदर आते हैं। हमने जितने भी डिज़ाइनर्स हम पहले से लेकर जाते हैं और वो हमारे कपड़े भिजवाते हैं घर के अंदर हर वीक, ऑलमोस्ट वीकेंड के भी। एक सवाल और था कि क्या बिग बॉस के घर के अंदर फ़ोन अलाउड होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले ही फ़ोन ले लिया जाता है हमसे, पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। और जैसे कि हम स्टेज पर जब हम पहुंचते हैं, जब हमारी परफॉर्मेंस हो रही होती है, तब भी फ़ोन हमसे पहले ही ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम किसी कंटेस्टेंट से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, तो उसकी जानकारी हम बाहर ना पहुँचा पाएँ। जुड़ी हुई। और आपको मैं एक और बात बताऊँ कि जितने भी वहाँ पर मिरर होते हैं, शीशा जिसके अंदर हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा बाथरूम में बहुत बड़ा सा शीशा है, बेड के ऊपर मिरर्स हैं, उनके पीछे भी कैमराज हैं। मतलब 24 घंटे कैमराज की नज़र हम पर बनी रहती है। तो हमें लगता है कि कैमरा नहीं है, वहां पर भी कैमरा होता है, आप इमेजिन करिए। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 13 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬੱਗਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੀ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬੱਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।